पके फसल की फली के रंग को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है, पीला, भूरा और काला रंग। फली के रंग के आधार पर अलग किस्म को आसानी से पहचाना जा सकता है। और दूसरे चरण की रोगिंग में ये लक्षण पहचान कर अवांछनीय पौधों को निकाला जाता है। दूसरे चरण में मुख्यतः फली के रंग और रोएं के आधार पर रोगिंग किया जाता है। सोयाबीन में रोगिंग हेतु फूल के आने के समय की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फूल आने पर रोगिंग तुरंत करना चाहिए। लगभग 7 दिनों का समय मिलता है रोगिंग करने हेतु। उसके बाद फूल सूखने लगते हैं और फली बनने लगते हैं। फूल आने का समय क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगी। जैसे सोयाबीन की दो किस्में हैं, JS9560 और JS9305। दोनों ही किस्म के फूलों का रंग बैंगनी है, दोनों की किस्म की पत्तियाँ भी लैंसाकार है और दोनों ही किस्म में रोएं भी नहीं पाए जाते। ऐसे में यदि दोनों किस्म मिश्रित है तो पहचान करना मुश्किल हो जाता है, किंतु JS9560 में 30 दिन में फूल आना शुरू हो जाती है और जब JS9305 में लगभग 40 दिन में वो फूल आना शुरू होता है, तब तक JS9560 के फूल सूख कर फली बनना शुरू हो जाती है। तो आप फूल के आने के समय को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फसल में मिक्सचर है या नहीं। इसलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो किस्म लगाई है उसके फूल आने का समय कितने दिनों पर होता है। किसान भाइयों, तो ये है वो खास लक्षण जिनके आधार पर रोगिंग कर सोयाबीन बीज की फसल की गुणवत्ता बरकरार रखी जा सकती है। बीज उत्पादन के खेत में रोगिंग हेतु पूरे फसल के दौरान बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए और एक भी पौधा ऑफ टाइप दिखे तो उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तभी आपके बीज पूर्णतः शुद्ध होगी। यदि बीज उत्पादन करने वाले किसान भाई इन बारीकियों का ध्यान रखेंगे और सही समय पर रोगिंग कर लेंगे तो निश्चित ही रूप से वे अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन कर पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।